दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021 और समर वैकेशन को लेकर दो बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। जी हाँ दोस्तों, पहली और बड़ी अपडेट यहाँ पर क्लास वन से लेकर क्लास नाइन तक के जो एडमिशन है उनसे जुड़ी हुई। तो यहाँ पर 28 अप्रैल 2021 को केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS हेडक्वार्टर के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर यहाँ पर लिखा गया है। उस लेटर के अनुसार मौजूदा हालातों को देखते हुए एडमिशन की प्रक्रिया में कुछ बदलाव यहाँ पर किया गया। तो ये लेटर आपके सामने है और इसमें भी ये साफ साफ लिखा गया है कि वर्तमान COVID-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा कर्मचारियों और पेरेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालयों में सत्र 2021-22 में प्रवेश की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित संशोधन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर क्लास वन के लिए जो लिस्ट यहाँ पर निकलेगी यानी कि जिन बच्चों का एडमिशन होगा क्लास वन में, वो लिस्ट यहाँ पर 30 अप्रैल 2021 के बाद में निकाली जाएगी और जैसे भी ये आगे पीछे की जा सकती है लोकल जो हालात हैं उनको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद में जो संबंधित DC हैं वो उन्हें ये डिसाइड लेना है कि क्लास टू से लेकर क्लास नाइन में एडमिशन किस तरीके से लेना है, कब लेना है। और फिर यहाँ पर अब एक बड़ा बदलाव ये कर दिया गया है कि क्लास नाइन में एडमिशन यहाँ पर बच्चों की प्रायोरिटी कैटेगरी के हिसाब से किए जाएंगे। पहले यहाँ पर टेस्ट लेने का प्रावधान था लेकिन उस टेस्ट की जो बाध्यता है उसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया और अब प्रायोरिटी बेस के आधार पर क्लास नाइन में एडमिशन लिए जाएंगे। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण यानी कि बड़ी जानकारी। और उसके बाद में अगली अपडेट यहाँ पर जुड़ी हुई है समर वैकेशन के संबंध में। तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर के द्वारा 28 अप्रैल 2021 को एक संशोधित कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया जो कि आपके सामने है। तो इस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अब यहाँ पर ये कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए KVS विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन तथा शरदकालीन अवकाश हेतु इस कार्यालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था और उस आदेश में कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। तो जो नए बदलाव यहाँ पर हैं वो इस प्रकार रहेंगे। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि निर्णय के अनुसार सभी संभागों में दिनांक 3 मई 2021 से ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो जाएगा जो कि निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर आज नहीं 3 मई 2021 से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे और जो गर्मी वाले स्थान है यानी कि समर वैकेशन है वो इस प्रकार रहेगा जो कि 3 मई से शुरू होगा और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा 26 जून 2021 तक। और क्षेत्रीय कार्यालय आगरा, चंडीगढ़, कोलकाता, देहरादून, दिल्ली, गुरुग्राम, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, पटना, रांची, सिलचर, तिनसुकिया, वाराणसी, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, एर्नाकुलम, हैदराबाद, जबलपुर, मुंबई, रायपुर, भुवनेश्वर और भोपाल में ये जो समर वैकेशन है इसके हिसाब से ही रहेगा यहाँ पर। तो ये बड़ा बदलाव कर दिया गया है और उसके बाद में नई गाइडलाइंस यहाँ पर हो सकता है कि बाद में जारी कर दी जाए, लेकिन फिलहाल केंद्रीय विद्यालय संगठन सभी में ही 3 मई 2021 से लेकर 20 जून 2021 तक समर वैकेशन रहेगा यहाँ पर 49 डेज का। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी हुई। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही।